नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीना है। आज का टॉपिक है ड्राई स्किन। वैसे थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा टॉपिक ड्राई स्किन जिसको हम जीरोसिस या जीरो डर्मा भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे कि ड्राई स्किन होती क्या है, क्या ड्राई स्किन होना नॉर्मल बात है, क्या कारण है जिसकी वजह से ड्राई स्किन होती है और हम ड्राई स्किन को कैसे मैनेज करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्राई स्किन का नाम सुनकर अक्सर दिमाग में अनइवन स्किन टोन, इची स्किन, रफ स्किन ये सब आता है। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है और आज के टाइम पे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो जानिए क्या कारण है जिनकी वजह से ड्राई स्किन होती है। मेनली ड्राई स्किन के कारणों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला टेम्पररी या सीजनल, दूसरा जेनेटिक्स। पहला टेम्पररी या सीजनल ड्राई स्किन के कारण हो सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि कोल्ड वेदर, ड्राई वेदर, लो ह्यूमिडिटी, विंडी क्लाइमेट, ठंडा ज्यादा गर्म की वजह से हो सकता है, ज्यादा देर पानी में हाथ रखने से हो सकता है, जिनको ज्यादा देर नहाने की आदत है उनको हो सकता है, जो रगड़ रगड़ के ज्यादा देर नहाते हैं, लूफा यूज करते हैं, स्क्रब यूज करते हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं, जो ज्यादा देर गर्म पानी में हाथ रखते हैं उनको ज्यादा हो सकती है, इवन जो स्विमिंग करते हैं उनको भी हो सकती है, जो ज्यादा सैनिटाइजर यूज करते हैं और हैंड वॉश करते हैं उनको भी हो सकती है। ये एज के साथ साथ भी हो सकती है। जिनको कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि हाइपोथायरॉयड, किडनी डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, उनको हो सकता है। कुछ ड्रग के ये साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि जो पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए विटामिन ए डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, आइसोटेरेटिनोइन लगा रहे हैं, वो हमारी स्किन को ड्राई कर देते हैं। ये जिनको ज्यादा कॉफी पीने की, सिगरेट पीने की, अल्कोहल, एरेटेड ड्रिंक्स पीने की आदत है उनको भी हो सकता है। ये गर्मियों में ज्यादा एसी में रहने से हो सकता है और ठंड में ज्यादा हीटर में रहने से हो सकता है। ये जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है उनको हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। जिनकी गट हेल्थ, जिनका डाइजेशन सही नहीं है उनको भी हो सकता है, क्योंकि वी आर व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं वैसे ही हमारी स्किन दिखती है। हमारी स्किन हमारा आईना है, जैसा हम खाते हैं वैसे हमारी स्किन पे नजर आता है। कई लोग बोलते हैं कि मैम हम अच्छा खा रहे हैं फिर भी हमारी स्किन सही नहीं है, ड्राई होती जा रही है। इसका कारण हो सकता है कि आपके कोई डाइजेशन इश्यू हो। ड्राई स्किन हमारे स्लीप को भी डिस्टर्ब कर देती है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा इचिंग, इरिटेशन रहती है कि हम सो ही नहीं पाते। अभी ड्राई स्किन होती क्या है? नॉर्मल स्किन में सफिशियंट ऑयल ग्लैंड्स, जिनको हम सीबेशियस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, होती है और सफिशियंट वाटर होता है। जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो ये ऑयल ग्लैंड्स भी कम हो जाते हैं और हाइड्रेशन भी कम हो जाता है, जिससे हमारी स्किन का मेन फंक्शन जो हमारे बैरियर प्रोवाइड करती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो ही कम हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। क्या ड्राई स्किन होना नॉर्मल बात है? एजिंग के साथ ड्राई स्किन होना नॉर्मल बात है क्योंकि एजिंग के साथ हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस लेयर की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है और जो सीबेशियस ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, उनका फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिससे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। कैसे पता चले कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है? एक तो वो रफ दिखेगी और जब हम स्क्रैच टेस्ट करेंगे तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम हमारे नेल को हमारे हैंड पे ऐसे मूव करेंगे, अगर उस पर एक व्हाइट लाइन ड्रॉ हो रही है तो हमारी स्किन ड्राई है। अब सवाल है ड्राई स्किन को हम मैनेज कैसे करें? ड्राई स्किन को मैनेज करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप सफिशियंट पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रखिए खुद को, उसके बाद जो कारण है उनके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप ओवर बाथिंग करते हैं तो उसके टाइम को रिड्यूस कीजिए, ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो उसको पहले निवाए पानी से नहाने की आदत डालिए। अगर आप ज्यादा हार्श सोप यूज कर रहे हैं वो हमारी स्किन को ड्राई कर रहा है, उसकी जगह आप पीएच बैलेंस वाले सोप यूज कीजिए। अगर आप फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट या सोप यूज कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि उनमें एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को ड्राई कर देते हैं। ओवर हैंड वॉश करते तो उसको आप कम कीजिए। लूफा या स्क्रब का यूज भी आप कम कीजिए, इवन विंटर्स में तो आप उसको बंद ही कर दीजिए। नहाने के बाद अपनी स्किन को सॉफ्ट फैब्रिक से डैप ड्राई कीजिए, ना कि उसको रगड़ के पोंछिए। अपनी स्किन को आप अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए नहाने के जस्ट बाद, क्योंकि उस वक्त हमारी स्किन ऑलरेडी उस नमी को एब्जॉर्ब किए रहती है और अगर हम उसको मॉइस्चराइज कर देंगे तो वो उस नमी को लॉक कर देगी, जिससे हमारी ड्राई स्किन कम हो जाएगी। और रात को सोने से भी पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए क्योंकि उस वक्त हमारी स्किन को सफिशियंट टाइम मिलता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का। और अगर कारण आपका जेनेटिक्स है ड्राई स्किन का, तो सिंपल सा फंडा है, आपकी स्किन में नेचुरली नमी की कमी है, नेचुरली ऑयल ग्लैंड्स कम है, तो आप बाहर से लेके इसको पूरा कीजिए। आपने अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लिया, मॉइस्चराइज कर लिया, जो कोज या हैबिट्स थी उनमें चेंजेस ले आए, उसके बाद भी अगर आपकी स्किन ड्राई है
तो अपने डर्मेट से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ड्राई स्किन के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के जरिए आपको ड्राई स्किन के बारे में सफिशियंट जानकारी मिली हो। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।